दिस साइड हर्ष श्रीवास्तव। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंडिया के लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म यानी बायजू पे एक आप लोगों के लिए इंटर्नशिप लेके आया हूँ, जो 20,000 पर मंथ है, जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 9 जून से पहले पहले। ये इंडिया के लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप लोग यहाँ पे बायजूस के बारे में, अबाउट बायजूस लर्निंग एप्स के बारे में आप लोग यहाँ जान सकते हैं कि ये एजुकेशन टेक है और ये K-12 लर्निंग ऐप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि ये ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 12 तक के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये होता है। एंड कंपिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए भी इस ऐप्स पे पढ़ाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें कि ये लोग एनिमेशन का काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं। उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पे समझाते हैं, जैसे कि JEE, नीट, कैट, IAS, GRE, GMAT, बायजू, गेट वगैरह के लिए आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है एनिमेशन के थ्रू। और ये 16 बिलियंस डाउनलोड्स हैं इस ऐप के, 9 लाख एनुअल पेड सब्सक्रिप्शन है, 30,000 स्टूडेंट एवरी मंथ ज्वाइन करते हैं। ये जैसे जी इस डाटा को देख के आपको तो लग ही गया होगा कि इंडिया के लार्जेस्ट ये प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, जिसमें कि और भी आप लोग जान सकते हैं कि ये 2015 में ये लॉन्च हुआ था, जिसका कि अब क्विकली ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हो रहा है। और भी इसके बारे में नॉलेज आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, अबाउट बायजूस के बारे में मैंने जो लिखा है। इसमें आप लोग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी जब आप लोग इंटर्न्स के थ्रू जाएंगे। तो जनरेटिंग लीड थ्रू ऑफलाइन मार्केटिंग कैंपेन, ऑफलाइन मार्केटिंग जो भी कैंपेन्स होंगे उसमें आप लोग को लीड्स जनरेट करने होंगे, ताकि आप लोग अच्छे से प्रमोशन कर सकें। एंड मेंटेनिंग एक्सीलेंट रिलेशनशिप विथ स्कूल प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर, आप लोगों का स्कूल प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर लोग जो होते हैं उनके साथ आपका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि आप अपना बायजूस को थोड़ा बता सके कैसे क्या क्या होता है। यहाँ पे आप लोग को डेटा मैनेजमेंट का भी कुछ काम करना पड़ सकता है। एंड प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन ऑफ डेली बेसिस पे आप लोगों को क्या काम करना रहेगा, डेली बेसिस पे आपको क्या टारगेट सेट्स मिलेंगे उसको आप लोग को अचीव करना होगा। रेगुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे आप लोग को वाया कॉल एंड विजिट्स करना होगा, कैसे क्या हो रहा है, सारी ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके होंगे इसमें। क्या फिर आप लोग का ये लोकेशन कहाँ का है, कहाँ पर आप लोग यहाँ इंटर्न करेंगे, पुणे में करेंगे। एंड इसका ड्यूरेशन रहेगा आप लोगों का 3 मंथ का, 3 मंथ्स का आप लोग का ड्यूरेशन रहेगा इंटर्नशिप का। एंड पर्क्स, आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा 20,000 पर मंथ आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा। एंड इसके साथ साथ आप लोग के यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आप लोग को मिलेगा, अगर आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप लोग को PPO भी मिल सकता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। एंड डेडलाइन अप्लाई, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि 9 जून आप लोग का डेडलाइन टू अप्लाई है। इसके लिए आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिर आप लोग को अप्लाई बटन ये दिया गया, इस पर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग इंटर्नशाला की वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे इसके बारे में और अच्छे से नॉलेज दिया गया है, जहाँ पे आप लोग अबाउट लर्निंग एप्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं, इंटर्नशिप के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे क्या है, स्किल्स रिक्वायर्ड्स में आप लोग ये देख सकते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए, हिंदी बोलने आना चाहिए, मराठी या MS ऑफिस, ये सारे स्किल्स आप लोग को रिक्वायर्ड्स हैं। एंड हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो फुल टाइम के लिए इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल हो, कैन स्टार्ट बिटवीन 26 मई टू 13 जून में आप लोग अपना अप्लाई का स्टार्ट कर सकें इंटर्नशिप। ये 3 महीने के लिए आप लोग कम से कम एटलीस्ट खाली हो, रिलेवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। पर्क्स आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फ्री स्नैक्स एंड बीवरेजेस आप लोग को वहाँ पे खाने का स्नैक्स बीवरेजेस वगैरह वहाँ पे आप लोगों को फ्री मिलेगा। नंबर ऑफ ओपनिंग्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 है। फिर जब आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे आप लोग अप्लाई नाउ पे टैप करेंगे, तो फिर यहाँ पे आप लोग का ये रिज्यूमे जो रहेगा, रिज्यूमे आप लोग को अपने यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसमें कि आप लोग अपना एजुकेशन डिटेल्स डाल सकते हैं, जॉब्स डिटेल्स, इंटर्नशिप अगर आपने इससे पहले भी कहीं की है तो वहाँ के इंटर्नशिप्स आप लोग डाल दीजिएगा, आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिएगा। एंड पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लोग इंटर्न्स कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे हो उसमें आप लोग क्या पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डाल दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ट्रेनिंग एंड कोर्सेस, स्किल्स आप लोगों के क्या है, अच्छे अच्छे स्किल्स आप लोग अपने यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ताकि इससे आप लोग का रिज्यूमे जनरेट होकर वहाँ पर सबमिट हो जाए। फिर आप लोग यहाँ पर प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर करेंगे, या प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को मेन क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा दिखेगा, जिसके बेसिस पे आप लोग की मेन हायरिंग होती है। इसमें क्या लिखा है, व्हाई शुड यू बी हायर फॉर दिस रोल, जिस आपको ही इस रोल के लिए क्यों हायर किया जाए,
तो इस रोल इस क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे आप लोग को टिप्स दिया गया है कि कैसे आप लोग को लिखना है। इसमें आप लोग को अपना स्ट्रेंथ हाइलाइट्स करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। जैसे कि आप लोगों को मार्केटिंग स्किल्स आती है तो आप लोग को अपना बताना होगा कि मुझे मार्केटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे से आती है। अगर आप लोगों ने कहीं से कोर्स करके रखा है तो वो आप लोग को बताना होगा कि मैंने यहाँ से ऐसे कोर्स किया है, इस ड्यूरेशन में मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं कोर्सेस के, या आप लोगों के पास जो भी स्किल्स है आप लोगों को उनको दिखाना होगा। और आप लोगों को सो एंथुसियाज्म, आप लोग को अपनी एंथुसियाज्म दिखानी होगी कि आप लोग इस रोल के लिए कैसे कैपेबल हैं, कि ये जॉब सिर्फ आपको ही मिलना चाहिए किसी और को नहीं, वो आप लोगों को दिखाना होगा। और आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा क्योंकि इसमें प्लैगरिज्म आ जाएगा इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करने पे। यहाँ पे फिर आप लोग यहाँ पे अभी कुछ डमी डाटा मैं आप लोग सामने फिल कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग मैं बता सकूँ पूरा कैसे सबमिशन होगा। फिर अवेलेबिलिटी में क्या है, अवेलेबिलिटी में अगर आप लोग 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल हैं जो स्टार्टिंग इमिडिएटली है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप लोग बताइए कि किस मंथ से आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे इंटर्नशिप स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे असेसमेंट्स के लिए आप लोगों को पूछा जा रहा है डू यू हैव योर ओन लैपटॉप, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो यस लिखिए, अगर नहीं है तो फिर नो लिख दीजिएगा यहाँ पे। और अगर आप लोग कोई भी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू। जैसे कि आप लोग सर्टिफिकेट्स अपना ऐड कर दीजिए, अगर आप लोग के पास कुछ मार्केटिंग का हो या कोई भी स्किल्स हो, आप लोग की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स के आप लोगों के पास कोई भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट हो उसको आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग सबमिट बटन पे टैप करेंगे तो आप लोग का ये इंटर्नशिप अप्लाई हो जाएगा, जिसमें कि आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड। ये इंटर्नशिप वाला की वेबसाइट पे अब या फिर आप लोगों के पास ये इंटर्नशिप वाला की वेबसाइट पे आप लोगों को विजिट करके चेक करना होगा कि आप लोगों के पास ये रिकमेंडेशन आया कि नहीं आया, जिसके लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी सारे इंटर्नशिप जिसको आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का हुआ कि नहीं कैसे। फिर अब ये सारे ये जो इंटर्नशिप था आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये था। अब मैं आप लोगों को YouTube के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इस पेज के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि भाई कैसे अप्लाई करना है, और इसके सारे डिटेल्स एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा फिर इसके बाद अप्लाई करिएगा। और जैसे कि और भी जैसे कि मैं इंटर्नशिप एंड जॉब्स के वगैरह भी लाता हूँ ये वीडियोस, जैसे कि अभी यहाँ पे TCS का मैं लाया था, फिर मिंत्रा का लेके आया था, अमेज़ॉन का, सोनी पिक्चर इंटर्नशिप था, ये सब भी सारे पॉपुलर पोस्ट हैं जिसको भी आप लोग यहाँ पे भी विजिट्स कर सकते हैं। और अपने भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जिनको भी ज़रूरत हो इंटर्नशिप या जॉब के लिए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छे खासे स्टाइपेंड मिल रहे हैं, आप लोग अच्छा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।